तेज रफ्तार वाहन चलाते, तेज ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग करने वाले और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही मुख्य रूप से थाना पेटलावत में सूबेदार धर्मेंद्र पटेल, थानला में सूबेदार कमल मंदिर, मैगनगर में सूबेदार विजय मुजालदे, कोतवाली में उप निरीक्षक लोकेंद्र खेड़े एवं संबंधित थानों के स्टाफ द्वारा संपादित की गई। कार्यवाही के दौरान यातायात थाना झाबुआ द्वारा तेज आवाज हॉर्न वाले दो वाहन एवं बिना लाइसेंस एक वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसी तारतम्य में यातायात जागरूकता अभियान के तहत विगत 15 दिवस में संचालित यातायात जागरूकता के द्वारा चौकी अंतर वैली ग्राम भगोर एवं कस्बा कल्याणपुरा में यातायात नियमों के पालन लिए प्रचार प्रसार एवं पैम्पलेट का वितरण किया गया। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आप सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का, संकेतों का आवश्यक रूप से पालन करें और यातायात पुलिस को सहयोग करें। मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत दुख होता है, वाहन दुर्घटना में 90% दो पहिया वाहन अवश्य शामिल रहते हैं। वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने का भी मुख्य कारण सर में लगी चोट है, इसलिए हेलमेट अवश्य पहने। दो पहिया वाहनों में जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उसमें से 80% ऐसे दोपहिया वाहन होते हैं जिनमें तीन सवारी बैठी हो। तीन सवारी बैठे वाहनों का दुर्घटना होने का मुख्य कारण आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक न लगना है, इसलिए तीन सवारी बैठकर वाहन न चलाएं। यह भी ध्यान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।